बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आई एम फ्रॉम लेजेंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेस। दिस इज़ द लेक्चर नंबर 11। द डिपार्टमेंट इज़ MBA सेकेंड सेमेस्टर लीडिंग टू BBA। सब्जेक्ट इज़ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्ट राइटिंग। टॉपिक इज़ रिपोर्ट राइटिंग, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिपोर्ट। My name is Ikra Khan. Now we will start our lecture. First of all, understanding reports. What is report? तो हम सबसे पहले इसकी definition को देखेंगे कि report होती क्या है, उसमें उसके अंदर क्या होता है, तो वो हम सबसे पहले देखेंगे। Reports are a fact of life in business today. The larger an organization is, the more important the exchange and flow of information become. Employees report their activities vertically to supervisors. At the same time, the various divisions of a business communicate horizontally with each other through reports. ठीक है, हम reports के ही through जो है वो अपने सारी जो है वो कोई भी issues आ रहे हैं, हमें problems आ रही हैं, हम उनको डिस्कस कर सकते हैं। बिजनेस में जो है रिपोर्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट वे है टू कन्वे अवर मैसेजेस एंड इश्यूज, प्रॉब्लम्स, थॉट्स, आइडियाज़ एंड एनीवन एल्स। ठीक है, इस तरह से मतलब हम कुछ भी इसके थ्रू जो है वो कर सकते हैं। ओके, कई रिपोर्ट्स आर जनरेटेड for outside organizations or government's agencies. As a business and professional communicators, you will probably have your share of reports to write. With increasing emphasis on performance and profits, business people analyze the pros and cons of problems, studying alternatives and assessing facts, figures and details. This analysis results in report. Management decisions in many organizations are based on information submitted in the form of reports. ठीक है, यानी जितनी भी organizations हैं और managements वगैरह हैं, उनके decisions जो हैं वो उनकी सारी information जो है वो base कर रही होती है आपकी जो सबमिटेड की गई रिपोर्ट्स हैं उन पर। क्या, तो यानी रिपोर्ट्स जो है वो एक मेन और इम्पोर्टेंट सोर्स है टू कन्वे योर मैसेज, और वो मैसेज किसी भी तरह का होता है जो कि बिजनेस के अकॉर्डिंग होता है या बिजनेस से रिलेटेड होता है, बिलोंग कर रहा होता है आपके बिजनेस इशू से, बिजनेस प्रॉब्लम से। ठीक है, ये उन्हीं से ही रिलेटेड होगा जी। Management decisions in many organizations are based on information submitted in the form of reports. Routine reports keep managers informed about completed tasks, projects and work in progress. अब देखिए कि reports जो हैं, routine reports जो होंगी वो इस तरह से भी होंगी कि उसके अंदर जो है वो completed tasks, यानी tasks जो complete हो चुके हुए हैं उनके बारे में जो है वो information होगी, या फिर ये कि उनको उनकी डेडलाइन एक दी होती है कि इस टाइम लाइन्स जो आपको बताई गई हैं उस तक, उस टाइम तक जो है ये कंप्लीट हो जानी चाहिए। इस तरह की रिपोर्ट्स होंगी, जब कंप्लीट हो जाए तब उसकी रिपोर्ट्स प्रोजेक्ट्स की और के वर्क जो है वो उसकी प्रोग्रेस कैसी है। ठीक है, या वर्क इन प्रोग्रेस, यानी वर्क जो है वो प्रोग्रेस में है, हो रहा है काम, इस तरह से कुछ भी आप उसमें डिस्कस कर सकते हैं। ओके, इन दिस चैप्टर वी विल कंसंट्रेट ऑन इनफॉर्मल रिपोर्ट्स। हमने इस चैप्टर में जो है वो इनफॉर्मल रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ना है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिपोर्ट इन द वर्क प्लेस, दीज रिपोर्ट्स टेंड टू शॉर्ट यूज लेटर्स, मेमोज और ईमेल्स फॉर्मेट एंड आर पर्सनल इन टोन। यू विल लर्न अबाउट द फंक्शन, स्ट्रेटजीज, फॉर्मेट्स एंड राइटिंग स्टाइल्स ऑफ टिपिकल बिजनेस रिपोर्ट्स। ठीक है, यानी आप इस बिजनेस रिपोर्ट्स के बारे में, उनके फंक्शंस, उनकी स्ट्रेटजीज, उनके फॉर्मेट्स और राइटिंग स्टाइल्स के बारे में हम पढ़ेंगे।
you will also learn to write good reports by examining basics techniques and by analyzing appropriate models. ठीक है. Business reports range from informal bulleted list and half page reports to formal to 200 pages functional forecast reports may be presented orally in front of a group or electronically on a computer screen. Increasingly reports are delivered and presented digitally, for instance as a mails, PDF files or electronic slides, decks generated with PowerPoints and other presentation software. ठीक है, यानी इनके थ्रू जो है वो सेंड की जाती हैं या डिलीवर की जाती हैं और रिसीव की जाती हैं. Okay, these files can then be emailed, distributed on the company in intranet or posted on the internet. Hyperlinks tie together content within the documents between associated files and with web sources. Okay? Such linking adds depth, the flexibility to traditionals in linear text. Some reports provide information only, other analyze and make recommendations. कि कुछ reports में जो है वो information होती है सिर्फ, बाकी जो है वो analyze कर रही होती है और recommendation यानी उसमें कुछ recommend किया जा रहा होता है. Although reports were in length, content, form and formality, they all have one or more of the following purposes: to convey information, answer questions and solve problems. अब हम देखते हैं functions of reports. Functions of reports. In terms of what they do, most reports fit into two broad categories: informal informational reports and analytical reports. ठीक है, यानी reports जो होंगी इनको हम two categories में divide करते हैं, informational और analytical reports. Informational reports देख लेते हैं. Reports that present data without analysis or recommendations are primarily informational. For such reports, writers collect and organize facts, but they do not analyze the facts for readers. ठीक है, जिसमें सिर्फ वो collect कर देते हैं उनकी information को, उसको analyze नहीं करते, उसको कोई recommendation नहीं होती उनके पास, तो वो होगी सिर्फ informational report. अच्छा जी, trip report describing an employee's visit to trade show, for example, presents information. Present information होगी, weekly bulleted होगी, status reports distributed by email to a team, record the activities of each group member and are shared with supervisors. Other reports that present information without analysis involve routine operations, compliance with regulations and company policies and procedures. अब देख लें एनालिटिकल रिपोर्ट्स जो हैं वो क्या है. रिपोर्ट्स डेट प्रोवाइड डेटा और फाइंडिंग्स, एनालिसिस एंड कंक्लूजंस आर एनालिटिकल. ठीक है, जिसमें रिपोर्ट्स के साथ उसमें ना जो भी मतलब एम्प्लॉय के बारे में आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसके अंदर आप उसका डाटा लिख रहे हैं, उसकी उसमें जो आपने सर्च किया, उसको जो एनालाइज किया है, उसमें जो कंक्लूजन यानी जो आप अल्टीमेटली जहाँ तक आप उसके मॉरल तक पहुँचे हैं वो, और राइटर्स में ऑल्सो वी आस्क टू सप्लाई रिकमेंडेशन. ठीक है, ये चीज़ें उसमें इंक्लूड होंगी जो कि आपकी एनालिटिकल रिपोर्ट्स होंगी. Analytical reports may intend to persuade readers to act or to change their beliefs. Let's say you work for a company that is considering in a specific building for a women only workout center, and you are asked to study the location's suitability. You may have to write a feasibility report analyzing pros and cons as well as providing a recommendations that attempts to persuade readers to accept the proposed site. जी, analytical reports के बाद हम देख लेते हैं organizational strategies.
लाइक अदर बिजनेस मैसेजेस रिपोर्ट्स में भी ऑर्गेनाइज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द रीडर्स एक्सपेक्टेशंस एंड द कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट डिटरमाइन द डेवलपमेंट स्ट्रेटजी इज एज इलस्ट्रेटेड. ठीक है, अब हम देख लेते हैं डायरेक्ट स्ट्रेटजी जो है वो क्या है. डायरेक्ट स्ट्रेटजी व्हेन द पर्पस फॉर राइटिंग इज प्रेजेंटेड क्लोज टू बी बिगिनिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी इज डायरेक्ट. रिपोर्ट्स डेट मेयरली कैरी इंफॉर्मेशन विदाउट एनालिसिस सच एज द लेटर रिपोर्ट आर यूजली अरेंज्ड डायरेक्टली. दे ओपन विद एन इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन के बाद आ जाएगा फॉलोड बाय द फैक्ट्स एंड द समरी. द राइटर एक्सप्लेन्स अ लीगल सर्विस प्लान. मैं आपको इसके जो है वो दिखा दूंगी, जो इसकी फिगर बनी हुई है वो भी आपको दिखा दूंगी ताकि आपको थोड़ा सा इसे समझने में थोड़ी आसानी हो जाए. अच्छा जी, द लेटर रिपोर्ट बिगिंस विद एन इंट्रोडक्शन देन इन प्रेजेंट द फैक्ट्स. Present the facts which are divided into three subtopics identified by descriptive headings, the letters end with the summary and a complimentary clause. Note the report was sent as an attachment by email. Analytical reports may also be organized directly, especially when readers are supportive or are familiar with the topic. Many busy executive prefers this. जी यहाँ पे फिगर आपके पास सामने है, नज़र आ रही है आपको. ऑडियंस एनालिसिस एंड रिपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन अगर हम देखें तो ये इस तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी जी डायरेक्ट स्ट्रेटजी जो है उसमें देखें रीडर्स जो है वो आर इन्फॉर्म्ड आर स्पोर्टिव वांट रिजल्ट फर्स्ट. ठीक है, जबकि इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी में जो रीडर्स हैं नीड टू बी एजुकेटेड नीड टू बी पर्सुएडेड मे बी डिसअपॉइंटेड और हॉस्टाइल. ये डिफरेंस होगा. और इसमें आगे रिपोर्ट भी जो है वो एक डेमो दिया हुआ है उसको भी देख लें. इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट एनालिटिकल रिपोर्ट जो है वो आ जाएंगी डायरेक्ट स्ट्रेटजी में जो कि इस तरह से होंगी. इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड उसमें हो जाएगा. एनालिटिकल में इंट्रोडक्शन के साथ प्रॉब्लम्स आ जाएंगी. फिर सेकंड में आ जाएगा जी फैक्ट फाइंडिंग्स एंड समरी और इसके साथ कंक्लूजंस है, रिकमेंडेशंस हैं, फैक्ट फाइंडिंग्स हैं और डिस्कशन एनालिसिस है जो कि एनालिटिकल रिपोर्ट है और इंफॉर्मेशनल है. जबकि इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी में सिर्फ एनालिटिकल रिपोर्ट है और उसके अंदर क्या है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन आएगा, प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे, फैक्ट्स फाइंडिंग्स वगैरह डिस्कशंस एनालिसिस और कंक्लूजंस रिकमेंडेशंस आ जाएंगे. जी इसी तरह अगर हम इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी को देखें तो when the conclusions are recommendations if requested appear at the end of the report. ठीक है, यानी उसमें जो conclusions हैं और recommendations हैं indirect strategy में analytical report में हम उसको last में write करते हैं. report format अगर हम देखें the format of a report is governed by its length, topic, audience and purpose. After considering these elements, you will probably you choose from among the following four formats. ठीक है, एक letter format होगा, इसको पढ़ लेते हैं. Use letter format for short, prepared होना चाहिए इसके अंदर. Informal reports addressed होने चाहिए outside and organizations हैं. Prepared होना company letterhead, stationery. A letter report contains a date, inside address, salutations and complimentary clause as shown in figure. अब देखते हैं कि इसको उन्होंने फिगर में शो किया हुआ है, हम उसको देख लेते हैं. ये आप देखें इधर
देखिए सबसे पहले आ जाएगा नेम या जो भी है आपने वहाँ पे राइट करना है जिस टाइटल के थ्रू, यानी यूज फॉर्मल सॉल्यूशंस इन एन ईमेल टू कस्टमर इन फॉर्मल रिपोर्ट लेटर फॉर्मेट विद ईमेल ट्रांसमिटर। उसके बाद आ जाएगा अनाउंसेस अटैचमेंट्स एंड देन प्रोवाइड्स कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड सिग्नेचर्स ब्लॉक विद कंटेंट इन्फॉर्मेशन। यूज लेटर हेड स्टेशनरी, ये यहाँ पे देख रहे हैं। Use letterhead stationery for an informal letter report addressed to an outsider. ठीक है, presents introduction and facts without analysis or recommendations. यानी आप सिर्फ इंट्रोडक्शन देंगे फैक्ट्स का, उसको एनालिसिस उनके नहीं करेंगे और रिकमेंडेशंस जो हैं वो इंक्लूड नहीं होंगी। और देखते जाएं अरेंज फैक्ट्स ऑफ रिपोर्ट्स इनटू सेक्शंस विद डिस्क्रिप्टिव हेडिंग्स, हेडिंग देते जाएंगे और उसको रिपोर्ट को जो है वो सेक्शंस में डिवाइड करते जाएंगे। एम्फेसिस बेनिफिट्स इन पैराग्राफ हेडिंग्स विद बोल्ड फेस टाइप। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टाइप आएगी इसकी मेमो एंड ईमेल फॉर्मेट। ठीक है, फॉर्मेट की फर्स्ट था लेटर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, अब मेमो एंड ईमेल। अब देखिए फॉर शॉर्ट इनफॉर्मल रिपोर्ट्स डेट स्टे विद इन ऑर्गेनाइजेशंस द मेमो फॉर्मेट इज अप्रोप्रिएट। मेमो रिपोर्ट्स बिगिन विद एसेंशियल, ये इसका देख लें आप पहले फॉर्मेट। जी अब हम देख लेते हैं अच्छा टिप्स फॉर लेटर रिपोर्ट को जो है वो आप अच्छी तरह से एक बार देख लेंगे। यूज लेटर फॉर्मेट फॉर शॉर्ट इनफॉर्मल रिपोर्ट्स एंड सेंड टू आउटसाइडर्स। ऑर्गेनाइज द फैक्ट्स इनटू डिवीजंस विद कंसिस्टेंट हेडिंग्स, सिंगल स्पेस द बॉडी, डबल स्पेस बिटवीन पैराग्राफ, लीव टू ब्लैंक लाइंस अबव ईच साइड हेडिंग इफ स्पेस अलाउज, क्रिएट साइड मार्जिन्स ऑफ 1 to 1.25 inches, स्टार्ट द डेट 2 inches फ्रॉम द टॉप ऑफ 1 blank line बिलो द लास्ट लाइन ऑफ द लेटर हेड, एंड अ सेकेंड पेज हेडिंग इफ नेसेसरी कंसिस्टिंग ऑफ द एड्रेस नेम द पेज नंबर एंड द डेट। ठीक है अच्छा, हम देख रहे थे द फॉर्मेट ऑफ मेमो एंड ईमेल टाइप। ठीक है, तो वो था बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन यूजिंग स्टैंडर्ड हेडिंग्स डेट टू फॉर्म, डेट आ जाएगा टू फॉर्म फ्रॉम एंड सब्जेक्ट। ठीक है, यही जिस तरह लेटर में या मेमोरेंडम में होता है। लाइक लेटर रिपोर्ट्स मेमो रिपोर्ट्स डिफर फ्रॉम रेगुलर मेमोज इन लेंथ, यूज ऑफ हेडिंग्स एंड डेलीब्रेट ऑर्गेनाइजेशन द ट्रिप रिपोर्ट इन। अब इसकी भी आपको जो है वो दिखाई गई है, उसमें भी देख लेते हैं फिगर में कि उसको किस तरह से करना है। और एक है मैनुस्क्रिप्ट फॉर्मेट, ये है मेमोरेंडम फॉर्मेट।
ऑफ रिपोर्ट, इसको भी जो है वो अच्छी तरह से देख लेते हैं। इसकी टिप्स देख लेते हैं, टिप्स फॉर ट्रिप रिपोर्ट्स। यूज मेमोरी फॉर्मेट फॉर शॉर्ट इनफॉर्मल रिपोर्ट सेंट विद द यूज ऑर्गेनाइजेशंस आइडेंटिटी द इवेंट एग्जैक्ट डेट नेम एंड लोकेशन एंड प्रीव्यू द टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड समराइज इन द बॉडी 3 to 5 मेन पॉइंट्स डेट माइट बेनिफिट द रीडर। एटमाइज योर एक्सपेंसेस इफ रिक्वेस्टेड ऑन अ सेपरेट शीट। Mention this in the report. Close by expressing appreciations, suggestions, action to be taken, or synthesizing the value of the trip or event. जी लास्ट में है इसका फॉर्मेट, प्रीप्रिंटेड फॉर्मेट्स और डिजिटल फॉर्मेट्स। अच्छा इससे आगे हम जो है वो बढ़ते हैं। हम आ जाते हैं जी प्रिपेयरिंग इनफॉर्मल रिपोर्ट्स पे। जी प्रिपेयरिंग इनफॉर्मल रिपोर्ट्स, इनफॉर्मल बिजनेस रिपोर्ट्स जनरली फॉल इनटू वन ऑफ 6 कैटेगरीज इन मेनी इंस्टांसेस। था Boundaries of the categories overlap, distinctions are not always clear cut, individual situations, goals and needs may make one report take on some characteristics of a report in another category. Still, these general categories presented here in a brief overview are helpful to beginning writers. Later you will learn how to fully develop each of these reports. Informational reports, ठीक है। ये उसकी आ जाएंगी थोड़ी सी टाइप्स के, वो किस किस तरह की होंगी। इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स होंगी, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स होंगी, जस्टिफिकेशन और रिकमेंडेशन रिपोर्ट्स होंगी, फिसिबिलिटी रिपोर्ट्स होंगी। यहाँ पे इन सब को जो है वो टाइप्स को जो है वो डिटेल में मेंशन किया हुआ है, बट हम जो है वो सिर्फ इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स को जो है वो अलग से जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। इनको अगर आप जो है वो रखना चाहें माइंड में तो वो आप देख सकते हैं। जी अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा ये है बच्चों
फॉर्मेट दिया हुआ है, रिपोर्ट मेमो फॉर्मेट, ठीक है, प्रोग्रेस रिपोर्ट का मेमो फॉर्मेट है, देख लें। ये टिप्स भी देख लें राइटिंग प्रोग्रेस रिपोर्ट की। आइडेंटिफाई द पर्पस एंड नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट इमीडिएटली। सप्लाई बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ओनली इफ रीडर मस्ट बी एजुकेटेड। डिस्क्राइब द वर्क कंप्लीटेड। डिस्कस द वर्क इन प्रोग्रेस इंक्लूडिंग पर्सनल एक्टिविटीज मेथड्स and locations. Identify problems and possible remedies. अच्छा, remedies के बाद आता है consider future activities. Close by telling the expected date of completions. ये देख लें justification, recommendation, report, direct strategy. यहाँ पे टिप्स हैं फॉर मेमो रिपोर्ट्स की। यूज़ मेमो फॉर्मेट फॉर शॉर्ट 8 और फ्यूर पेजेस। इनफॉर्मल रिपोर्ट्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। क्रिएट साइड मार्जिन्स ऑफ 1 to 1.25 inches। स्टार्ट द डेट 2 inches फ्रॉम द टॉप ऑफ 1 blank line बिलो द लास्ट लाइन ऑफ द लेटर हेड। ठीक है, वही वाली एग्जाम्पल्स आ जाएंगी यहाँ पर। ये सारी इनफॉर्मल जो है उनकी टाइप्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फॉर्मल जो है वो टाइप को डिस्कस करेंगे रिपोर्ट को। ये इसको जो है वो अच्छी तरह से हम देख लेंगे। रिपोर्ट राइटिंग स्टाइल्स में इनफॉर्मल राइटिंग स्टाइल आ रहा है और फॉर्मल राइटिंग स्टाइल आ रहा है दूसरी साइड। इनके जो पॉइंट्स हैं इनको हम अच्छी तरह से देखेंगे, इनके यूजेस, इनके इफ़ेक्ट्स, इनके करैक्टरिस्टिक्स को अच्छी तरह से पॉइंट आउट करेंगे। यूजेस अगर हम देखें तो इनफॉर्मल और फॉर्मल में क्या डिफरेंस है, पहले हम इनफॉर्मल को देखते हैं। इनफॉर्मल के यूजेस को शॉर्ट होगा, रूटीन होगा, यानी रूटीन रिपोर्ट होगी, रिपोर्ट्स फॉर फैमिलियर ऑडियंसेस, नॉन कंट्रोवर्शियल रिपोर्ट्स और मोस्ट रिपोर्ट्स टू कंपनी इनसाइडर्स। ठीक है, जबकि जो फॉर्मल राइटिंग स्टाइल है उसमें क्या होगा कि वो थीसिस पे होगी, रिसर्च स्टडीज़, कंट्रोवर्शियल और कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट्स, स्पेशली आउटसाइडर्स। इफेक्ट्स अगर देखें तो फीलिंग्स ऑफ वार्म्थ, इंक्रीज्ड पर्सनल इन्वॉल्वमेंट एंड इन्हेंस द क्लोजनेस। ये हो जाएगा इनफॉर्मल राइटिंग स्टाइल में, जबकि फॉर्मल राइटिंग स्टाइल में अगर हम देखें
तो इम्प्रेशंस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, एक्यूरेसी, प्रोजेक्शंस ऑफ प्रोफेशनलिज्म्स, फेयरनेस, डिस्टेंस क्रिएटेड बिटवीन राइटर एंड रीडर। और करेक्टरिस्टिक्स जो अगर हम देखें इनफॉर्मल राइटिंग स्टाइल के, तो वो होगा यूज़ ऑफ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, आई, वी, मी, माई, अस, आवर। यूज ऑफ कंट्रैक्शंस यानी कांट, डोंट। एम्फेसिस ऑन एक्टिव वॉइस वर्ब्स, आई कंडक्टेड द स्टडी। शॉर्टर सेंटेंस फेमिलियर वर्ड्स। Occasional use of humor, metaphors. Occasional use of colorful speech. Acceptance of authors, opinions and ideas. जबकि informal जो है उसमें जो characteristics होंगे वो होंगे absence of first person pronouns, use of third person. Increasingly, however, the informal style is acceptable. Absence of contractions, yani isme contractions nahi honge, cannot or do not use hoga. Use of passive voice. The study was conducted. Complex sentences use honge, long words honge. Absences of humors and figure of speech use honge. Little use of colorful. एबसेंस यानी नहीं होंगे ऑफ ह्यूमर एंड फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ नहीं होगा। लिटरेरी टर्म्स यूज़ नहीं होंगे। लिटल यूज ऑफ कलरफुल एडजेक्टिव्स एंड वर्ब्स। एलिमिनेशन ऑफ एडिटोरियलाइजिंग ऑथर्स ओपिनियंस प्रिसेप्शंस। अगर हम देख लें कि यूजिंग इफेक्टिव रिपोर्ट हेडिंग्स को, तो ये भी एक अच्छा वे है। इसके अकॉर्डिंग भी जो है वो अच्छी आपकी रिपोर्ट जो है वो रेडी हो सकती है। इनके थोड़े से पॉइंट्स जो हैं वो आप लोग रीड करेंगे। इन्हीं को फर्दर आगे देख लेते हैं। जी, आई होप आपने इसको जो है वो अंडरस्टैंड किया होगा कि इनफॉर्मल्स जो है उसमें क्या डिफरेंस आ जाता है, जबकि फॉर्मल जो है वो हमने अभी नहीं पढ़े। हम उनको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हमने इनफॉर्मल के टाइप्स को, स्ट्रेटजीज को, काइंड्स को, उनके वेज को, उनके पॉइंट्स को जो है वो डिस्कस किया है विद उसके फीचर्स के साथ, उसके फिगर आउट को भी हमने देखा है कि किस तरह से उनके फिगर्स हैं उनके एग्जाम्पल्स के साथ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके डिटेल में मैं आप लोगों को, बल्कि फॉर्मल इनफॉर्मल्स को जो है वो एक और वे में मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करूँगी इंशाल्लाह, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।